हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी बढ़िया हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि मैंने छोटा छोटा क्लिप जो है ऐड करके एक ब्लॉग सा रेडी किया है, जो कि आप लोगों को पसंद आएगा ऐसा उम्मीद मैं करती हूँ। और बाबू को यहाँ पर देखिए कि घर पहुँच के बच्चा मेरा कितना इन्जॉय कर रहा है यहाँ पर खुले जगह में। इसको जैसे बहुत मस्ती सी चढ़ी हुई थी, कभी रूम के अंदर रहना जैसे पसंद नहीं कर रहा था, बात बात में बाहर निकलता था, साइकिल वगैरह चलाता था। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं निकली थी दोपहर के टाइम में, जो कि काम क्रिया हमारा जो है अभी भी कंटिन्यू था फ्रेंड्स। और ये जो क्लिप है फ्रेंड्स, 11वें दिन का क्लिप है, जो कुछ यहाँ पर हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकती हूँ कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है इस टॉपिक में। और यहाँ पे बस सिर्फ मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि एक ग्लास में हल्दी और तेल रखा हुआ था, जो कि यहाँ पंडित जी को लगाना था। उसके बाद मैं जस्ट आ गई थी इधर अपने पुराने घर की ओर, जहाँ मेरी सासू माँ कभी हुआ करती थी। और ये इस घर में मैंने कभी कदम नहीं रखा फ्रेंड्स। मैं 20 साल के बाद, समझिए कि इस बार जब गाँव गई तो मैं इधर घूमते घामते चली गई थी। मैंने देखने की कोशिश की कि मेरी सासू माँ पहले कहाँ रहा करती थी। तो यहाँ पे जैसे कि ये जगह जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, पूरा का पूरा मेरा ही है, जो कि अभी घर जो है टूट चुका है, ध्वस्त हो चुका है। करीबन 20 साल पहले यहाँ पे मेरी सासू माँ अपने बच्चों के साथ रहा करती थी, और मैं अब जाके उस जगह पे पहुँची हूँ। तो यहाँ सब कुछ जैसे कि ध्वस्त हो चुका है, मिट्टी का घर था, और बहुत अच्छा सा फील भी हो रहा था टूटे हुए घर को देख करके, क्योंकि जो भी है तो खुद का है। बस ये सोच के मैं खुश हो रही थी। और इस जगह पे पहुंच के वहाँ पे जो महिला लोग थी, वो लोग भी बहुत नोटिस कर रही थी कि चलो घर की बड़ी बहू आज इस जगह पे पहुंची है और अपने जागीर को समझने के लिए यहाँ पे आई है कि क्या है, कहाँ तक है। तो ये सब चीज़ों को देखते मैं खुश भी हो रही थी और दुखी भी हो रही थी कि जहाँ पे मेरी सासू माँ रहा करती थी, वो घर जो है बिल्कुल मिट्टी मिट्टी सा हो चुका है और सिर्फ ज़मीन ही रह गया है। तो बस मैं वही सब चीज़ों को नोटिस कर रही थी। और ये देखिए कि यश के पापा भी पहुँचे हुए थे। और देखिए, अभी तक मैं उधर से जैसे आ रही थी, तब तक यहाँ बाबू जो है साइकिलिंग किए जा रहा है अपने छोटे वाले चाचू के साथ। तो यही सब था फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ आप नोटिस कर सकते हैं शाम का टाइमिंग था, और मैं अपने दोनों देवर जी के साथ बाहर निकली हुई थी मार्केट की ओर, क्योंकि पिछले कई दिनों से आप सब ने नोटिस किया कि घर के अंदर रहे रहे बिल्कुल बोरियत सा मुझे लग रहा था। तो मैं बच्चों के साथ यहाँ समझिए निकली हुई थी। बच्चा मतलब सिर्फ बाबू ही मेरे पास था और मेरे दोनों देवर जी थे, जो कि वीडियो में आना बिल्कुल से पसंद नहीं करते हैं, इस वजह से मैं बिल्कुल पास से आपको नहीं दिखा सकती हूँ। और इधर फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का क्लिप है, मैं यहाँ पे खाना वगैरह बना रही थी। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ मैं आलू मटर की सब्जी बना रही थी। तो बस मेरा प्रिपरेशन जो है नाश्ते का चल रहा था यहाँ पर। और गांव में जो है बिल्कुल अकेले पड़ जाती हूँ, ना देवरानी थी साथ में और ना सासू माँ तो है ही नहीं, जैसा कि मैं बताती रहती हूँ वीडियो में आप सभी को। तो खैर कोई बात नहीं, हर कंडीशन में मैं खड़ी उतरती हूँ और सभी कामों को बहुत अच्छे से मैं करके निकल जाती हूँ। मुझे कभी ये सब नहीं लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए। और वाकई में मैं इस बात को मानती हूँ कि अगर हम हिम्मत रखें और सभी कामों को करने के लिए आगे निकलें तो बहुत इजली हो जाता है। बस एक मन में संकेत सा चलता रहता है कि क्या होगा करके, ये सब चीज़ें जो है हमारे मन में चलता है। बट हम महिलाएं जो हैं सभी कामों को आसानी से कर सकते हैं, ऐसा मैंने रियलाइज किया है अपने जीवन में। और करने से पहले मुझे थोड़ा सा ये टेंशन भी होती है कि पता नहीं क्या कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये सब मेरे मन में चलता रहता है। तो नेक्स्ट डे का क्लिप है फ्रेंड्स, जो कि मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और मेरी तबीयत जो है बिगड़ चुका था गांव में जा कर के, थोड़ा सा खांसी वासी लगा हुआ था क्योंकि पानी चेंज के वजह से और तालाब में नहाने धोने से मेरा जो तबीयत है बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था, मैं क्या ही बताऊँ। और इधर देखिए, हाथ से मसाला पीस करके मैं रखी हुई हूँ, क्योंकि इस टाइम पर लाइट नहीं थी तो मुझे हाथ से जैसे मसाला पीसना पड़ा है। और आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो चलिए इन्जॉय करते हैं मिल करके।
आलू मटर की सब्जी। फ्रेंड्स और फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने बड़ी सी कढ़ाई गैस स्टोव के ऊपर रखी हूँ, तो यहाँ फैमिली बड़ा होने के कारण जो है पैन भी बड़ा लेना पड़ा है, क्योंकि छोटे में बात यहाँ पे नहीं बनती है, क्योंकि दो देवर हस्बैंड जी और बाल बच्चे बहुत थे, तो इस वजह से जो है कढ़ाई जो है बड़ा लेना पड़ा है फ्रेंड्स। हालाँकि ये देख सकते हैं कि टमाटर जो है बिल्कुल भुन चुका है, और अब मैं आलू मटर को ऐड करूंगी फ्रेंड्स। और बिल्कुल नॉर्मल सा ही बन रहा था, प्याज लहसुन जो भी है तो यूज अभी नहीं करना था, और ये मॉर्निंग का 10 बजे का समय था। तो दोस्तों आप नोटिस कर सकते हैं कि मैंने आज सब्जी बनाने में ऑयल का यूज किया है, और उसमें मैंने हल्दी भी यूज किया है। मीन्स जो भी काम था 11वें दिन तेल हल्दी का, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि तेल हल्दी का कुछ एक विध था जो कि मैंने किया हुआ है, तो उसके बाद से अलाउ कर दिया गया था कि हल्दी और तेल अब यूज हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है। और सब्जी जैसे हमारा बन जाएगा उसके बाद मैं सभी के लिए नाश्ता जो भी है फ्रेंड्स तो मैं करवा दूंगी सभी को। और गांव में काम करने का एक आनंद सा मुझे फील हो रहा था, बहुत अच्छा सा लग रहा था। और ये देखिए मसाला भी भुन चुका है फ्रेंड्स, अब मैं सब्जी को ऐड करूंगी। तो दोस्तों फाइनली जो है सब्जी बनके रेडी हो चुका था, और मैं बचे कुचे बर्तन यहाँ पे साफ़ कर लूँगी। और फ्रेंड्स मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ यहाँ पे हो रही थी कि मैं साड़ी में काम कर रही थी, और ऐसा कोई प्रेशर नहीं है मेरे घर का कि मैं साड़ी नहीं पहनूँ या सूट नहीं पहनूँ, ऐसा कुछ पहनने के मामले में कुछ भी प्रेशर नहीं है। बट मैं अपने शौक़ से जैसे कि यहाँ आने के बाद साड़ी पहनती हूँ, क्योंकि हम शहर में जब भी रहते हैं या मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे मैं ज़्यादातर सूट कुर्ती ये सब ही वेयर करती हूँ, और गांव में आकर के साड़ी वेयर करती हूँ। जब भी गांव में रहूँगी तो साड़ी पहनूँगी, और जब शहर में रहूँगी तो कुर्ती वगैरह पहनूँगी। तो इस बात से मुझे थोड़ी सी ये चीज़ महसूस हो रही थी कि साड़ी में काम करना थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल मैं फील कर रही थी, और कुर्ती में जो है फटाफट से मैं काम कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए सब्जी में उबाल बहुत अच्छे से आ चुका है, और बस मैं थोड़ा सा व्यू अपने किचन का आपको दिखा रही थी यहाँ पे। और चलिए फिर बाबू को मैं खाना दे देती हूँ। तो चलिए दोस्तों ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।